फ्रेंड्स, हम सीखते हैं कि हम डिश टीवी की केबल को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं घर पे ही बिना किसी स्पेशल टूल के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने टूल्स देख लेते हैं। मेरे पास एक ये केबल है जिसको हम डिश केबल कहते हैं, या RG6 केबल और कॉक्सेल केबल भी कहते हैं। मेरे पास एक प्लास है, वायर कटर है, एक स्केल है, एक ये हथौड़ी है एंड कटर, यह है केबल कनेक्टर एंड जॉइंटर जिसको हम एफ बैरल भी कहते हैं। ये जो केबल है, सबसे पहले हमने स्केल से केबल के ऊपर दो निशान लगाते हैं। एक तो जो निशान लगाना है वो 8 mm पे लगाना है, जो ऑलरेडी मैंने लगा रखा है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो ये 8 mm के ऊपर निशान है, आप इसको देख सकते हैं, ये 8 mm के ऊपर मैंने एक निशान लगा रखा है। और जो दूसरा निशान है वो 8 mm के बाद में छोड़ के 6 mm पे होना चाहिए। तो अगर यहां से देखेंगे करीब 6 mm के ऊपर दूसरा निशान में लगा रखा है। तो ये क्योंकि जो स्केल है वो सेंटीमीटर में है, तो इसके अंदर जितने ये पॉइंट्स आ रहे हैं ये mm के अंदर हैं, तो मैंने इससे नापा और मैंने निशान लगा लिए। तो स्केल का काम मेरा खत्म हो गया, इसको मैं साइड में रख देता हूं। अब मुझे कटर से इस केबल को सबसे पहले यहां पे जो मैंने निशान लगाया था 8 mm पे, इस केबल को काटना है एंड तक। इसके अंदर मैं इसको पूरा कट कर दूंगा, केवल इसका जो बीच का एक पोर्शन जो है कॉपर वायर वाला, इसको छोड़ के। ये मैंने केबल को पूरा काट दिया। अब मुझे जो मैंने आपको बताया था 6 mm पे ऊपर, ये मुझे केवल ऊपर के जो ये इसका कवर है इसी को कल काटते हैं। तो मैंने इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा कवर को काटना स्टार्ट किया, चारों तरफ से मैं इसको काट लेता हूं जिससे आराम से ये निकल जाए। और आप देखिए केवल मेरे कवर जो ऊपर का ये निकल गया है, ये आराम से निकल गया। अब ये जो वायर्स है इसको मैं चौथा फोल्ड कर देता हूं इसके। अब ये जो कनेक्टर है, ये आप देख रहे हैं कनेक्टर को, ये कनेक्टर को मैं इस साइड से डाल के और मुझे प्रेस करना है इस कनेक्टर को। और ये जो केबल है, ये देखिए यहाँ पे वायर निकल रही है यहाँ से। ये जो व्हाइट पोर्शन है आप देखेंगे ये एंड तक आ गया इसके। अब मेरे पास ये एफ जो फीमेल कनेक्टर है इसको मैं एक बार इसके ऊपर टाइट कर रहा हूं। और मुझे ये जो पोर्शन है इसको टाइट करना है बंदर की साइड में, तो मैं क्या करता हूं प्लास की मदद से मैं जो इसका येलो जो पोर्शन है जहां पे थोड़ा खाली होता है मैं इसको रख लेता हूं यहां पे, और हथौड़ी की मदद से
मैं हल्का हल्के हाथों से इसको ठोक देता हूं। हल्के हाथों से करना आपको। आप देखेंगे ये जो है ये ब्लैक पोर्शन जो था ये अंदर चला गया है और ये टाइट हो गया है केबल के साथ में। अब मैं इसको खोल लेता हूं और मेरी जो केबल है तैयार हो गई है। दूसरी साइड की केबल मैंने ऑलरेडी तैयार करी हुई थी तो ये मेरी केबल तैयार हो चुकी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आगे कि हम कैसे इसको अब एक्सटेंड करेंगे। फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पास अभी सेटअप बॉक्स लगा हुआ है और टीवी मेरा इस पे सेटअप बॉक्स के ऊपर चल रहा है। मैं चैनल चेंज कर रहा हूँ तो उस पे चैनल चेंज हो रहे हैं और ये प्रॉपर चल रहा है मेरे सेटअप बॉक्स। अब ये जो केबल है मेरी, ये मेरी केबल जो है टाटा स्काई जो केबल है वो यहाँ तक ही आ पा रही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेटअप बॉक्स है मेरे बाहर जहाँ पे मैं चाहता हूँ इसको एक बड़े पर्दे पे प्रोजेक्टर पर देखना चाहता हूँ तो मैं इसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ लेकिन ड्यू टू केबल ये इतनी सी है मैं इसको नहीं इसको ले जा पा रहा हूँ। तो मैंने जैसे बताया था कि अब केबल हम कैसे बना के इसको एक्सटेंड कर सकते हैं तो आइए हम वो देखते हैं। मैं पहले बंद कर देता हूँ सेटअप बॉक्स को और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो केबल आ रही है मैं इस केबल को यहां से बॉक्स से खोल लेता हूँ। अब ये केबल है इसमें जो मैंने आपको बताया था कि एफ बैरल जो कनेक्टर है ये दोनों साइड से है तो मैं पहले इसको एक साइड से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने टाइट कर दिया इस केबल में एंड दूसरी साइड से जो मैंने एक केबल बनाई थी जो मैंने आप थोड़ी देर पहले बनाई थी ये वो केबल है। या जितनी भी लंबी आपको चाहिए जितना दूर तक की आपकी केबल चाहिए जितने मीटर की चाहिए आप वो उतनी मीटर की केबल बना लीजिए और इसका जो एक सिरा है मैंने इस पर लगा के उसको टाइट कर देता हूँ। तो ये दोनों केबल आपस में ज्वाइंट हो गई है, ये मेरी केबल ज्वाइंट हो गई है। अब इसका जो दूसरा सिरा है ये जितना भी लंबा हो सकता है जहां पे आपको लेके जाना उतना लंबा आपको ये केबल रखनी पड़ेगी और दूसरे सिरे को मैं फ्रेंड्स तो मैं ये सेटअप बॉक्स थोड़ा दूर ले आया हूँ जहां पे मुझे इसको एक्चुअल में लगाना था और मेरे पास प्रोजेक्टर भी आप देख रहे हैं सामने प्रोजेक्टर भी पड़ा है और एक जो केबल के जो दूसरा सिरा था वो मैं अब इसको मैं सेटअप बॉक्स में लगा रहा हूँ उसको मैं टाइट कर रहा हूँ सेटअप बॉक्स में लगा के। तो ये मेरी केबल टाइट हो गई है सेटअप बॉक्स में और मेरी प्रोजेक्टर की जो HDMI केबल है ये मैं सेटअप बॉक्स में लगा देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। ये हमारा मैच स्टार्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम केबल को एक्सटेंड करके जहां पे हमें इसको लगाना है वहां पे हम ले जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स तो ये था हमारा पूरा वीडियो जो आपको केबल को एक्सटेंड करना और कैसे इसको प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं।